हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन दोस्तों आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ये 25 फ़ाइव आज हम ये पूरे सॉल्व करेंगे एक एक करके और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाएँगे एक्चुअली ये इलेवन सी के लिए था तो एलेवेंथ सी ई कैंसिल हो गया तो अब आप ये 25 फ़ाइव हम हमारे एस एस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे ओके और ये ट्वेंटी फ़ाइव तो अगर आपने एकदम परफेक्ट कर ली है या ऑलरेडी किसी ने अगर सॉल्व कर चुका है तो अगर ये पूरे अगर आपके राइट है तो इसका मतलब आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए ओके ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है इसके पूरा क्वेश्चन इसके क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी ग्रुप में आ, वीडियो पे अपने हैं ऑलरेडी ओके सोल्यूशन नहीं थे तो आज हम इसके सोल्यूशन भी शुरू करेंगे ओके दोस्तों तो अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लेना तुम्हारा सपोर्ट भी बहुत बहुत ज़रूरी है और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा ये सोलूशन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ओके यहाँ पर क्वेश्चन uh, हैं और यहाँ पर करेक्ट आंसर्स भी है ओके okay? तो चूज़ द फॉलोइंग करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा हो हमें सॉल्व करेंगे और ऑप्शन में हमारे आंसर भी देखते चलेंगे ओके okay? तो अगर देखेंगे अब यहाँ पर सेम वैसेज है ओके okay? बस हमको क्या करना है अपने आंसर को चॉइस करना है ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको एम का बोर्ड में रूल क्या होता है ओके okay? आप क्वेश्चन चारों पढ़ो ओके okay, चार एम स्टार्ट में आपको चार एम सी क्यूज़ एज पर द पेपर पैटर्न रहेंगे और चारों एम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको आउट ऑफ दिलाने के लिए तो एक भी एम सी रॉन्ग नहीं होना चारों एम सी क्यूज एम सी क्यूज के रूल क्या है आप डायरेक्टली विद द करेक्ट आल्टरनेटिव उसका आंसर लिखो ओके okay, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको डाउट है कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर राइट आएगा ओके okay, तो आप सॉल्व करके उसका आंसर लिखिए ओके करेक्ट आल्टरनेटिव और उसका करेक्ट uh, जो आंसर है वो लिखेंगे आप लोग ओके okay, एज पर द पेपर पैटर्न तो फर्स्ट आंसर ही कंसिडर किया जाएगा आपके आंसर में अगर आपने एक आंसर लिखा उसको कट करके बाद में दूसरा आंसर लिखे बाजु में तो वो शायद बोर्ड वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे ओके okay? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से तो चलिए हम लोग सॉल्व करते मिल के फाइन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट तो बहुत ही ईजी दोस्तों ये आपके लीनर एक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है अभी डिटर्मिनेट है ओके okay? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल भी देख लीजिए दोस्तों इस तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओके okay? तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ फोर इंटू सेवन तो ये फोर इंटू सेवन माइनस साइन देंगे बीच में थ्री इंटू सिक्स ओके सो फोर सेवन ज़ार ट्वेंटी एट माइनस थ्री टू ज़ार सिक्स ओके सो ट्वेंटी एट माइनस सिक्स इज़ ट्वेंटी टू ओके दोस्तों अगर करेक्ट ऑप्शन में देखेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे आंसर है नहीं दोस्तों ओके okay? तो हम क्या करेंगे कोई भी एक आंसर को सपोज़ इसको हम लोग ट्वेंटी टू लेते हैं ओके okay? <clears throat> तो अपना ये करेक्ट आंसर क्या है ए वाला है तो ए ट्वेंटी टू है ये तो हम यहाँ पर अब आंसर कैसे लिखेंगे इस तरह से ऊपर लिखेंगे आप ओके ए आपका करेक्ट ऑप्शन था और आंसर आया आपका ट्वेंटी टू तो इस तरह से सॉल्व करके आप बोर्ड के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं ठीक है ओके तो चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं हम लोग तो इसी तरह से माइनस थ्री इंटू ज़ीरो करेंगे आप और एट इंटू सिक्स करेंगे तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते सो माइनस थ्री इंटू ज़ीरो माइनस एट इंटू सिक्स ओके सो थ्री ज़ीरो ज़ीरो माइनस एट सिक्स फोर्टी एट सो इफ यू सब्राइज 0 minus 48, फोर्टी एट सो द करेक्ट आंसर इज़ माइनस तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका माइनस फोर्टी आया हमारा ओके okay? सो so, minus 48 exactly एग्जैक्टली ये करेक्ट uh, ऑप्शन अपना सी वाला है ओके okay? तो so, ये क्वेश्चन पेपर आप स्क्रीनशॉट ले लो ओके okay? मैं ऑलरेडी इसका अगर आपके पास नहीं है क्वेश्चन पेपर तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा दोस्तों ठीक है so, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर सी वाला है तो आप इस तरह से आंसर में भी लिख दो नीचे सी माइनस फोर्टी ओके दोस्तों चलिए बहुत सिंपल है ये एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन क्यों ले रहा है एक प्रैक्टिस भी हो जाएंगी आपकी अच्छे से ओके okay? ये दो मार्क्स के क्वेश्चन थे एक 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 मार्क्स के ये थर्ड वाला क्वेश्चन दोस्तों ये दो मार्क्स का है और बहुत सिंपल है बहुत इजी है सेम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एम की वैल्यू निकालना है और इस थर्टी यानी कि इक्वल टू थर्टी लिख देंगे तो इसको इस तरह से करेंगे हम लोग ओके okay, मैं आंसर के लिए एक लाइन छोड़ देता हूँ ऊपर फोर इंटू सेवन माइनस एम इंटू टू इज़ थर्टी फोर तो हम इक्वल टू थर्टी फोर लिखेंगे यहाँ पर ओके इजी है सो फोर सेवन जो ट्वेंटी एट माइनस एम इंटू टू क्या हो रहा है ये टू एम इज ईक्ल टू ये थर्टी फोर भी इस तरह से लिख देंगे ओके okay, एम की वैल्यू निकालना है टू एम के साथ में माइनस साइन है तो हम ये टू एम माइनस टू एम को नीचे लेंगे इक्वल टू थर्टी फोर लिखेंगे ओके प्लस ट्वेंटी एट को हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस ट्वेंटी एट हो जाएगा ओके सो देर फोर माइनस टू एम इज़ इक्वल टू थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी एट इज़ सिक्स ओके एम की वैल्यू का बाहर ले लीजिए तो ये सिक्स अपॉन माइनस टू हो जाएगा ओके सो टू थ्री 6 सो योर करेक्ट आंसर इज़ देर फोर एम इज़ इक्वल टू माइनस थ्री ये माइनस साइन भी आंसर के साथ में लगेंगी ओके सो माइनस एम इक्वल टू माइनस थ्री तो देखेंगे दोस्तों ये डी वाला अपना करेक्ट आंसर था अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर ओके okay? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से आंसर में यहाँ पर डी इज अवर करेक्ट अल्टरनेटिव एंड द आंसर इज माइनस थ्री ओके दोस्तों सिंपल एकदम ईजी है ओके okay? तो इसी तरह एग्जाम में भी करना है आपको ओके okay, सॉल्व करके इट हार्डली टेक वन मिनट तो आराम से करेंगे आप एकदम पेशेंसली सॉल्व करेंगे आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग फॉर अटन साइम इक्वेशन इफ डी इक्वल टू माइनस फाइव डी एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन डी वाई इक्वल टू टेन फाइन डी वैल्यू ऑफ एक्स दोस्तों कभी भी आप डी डी एक्स और डी वाई देखेंगे तो आपको क्रेमर्स रूल के ये क्वेश्चन दिखेंगे ओके okay? एक्स की वैल्यू फाइन करना है तो जब भी हम क्रेमर्स रूल के हिसाब से करते तो चलो मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ यहाँ पर बाई क्रेमर्स रूल तो अगर हम क्रेमर्स रूल के हिसाब से जाते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला अपना बनता है डी एक्स अपॉन डी ओके तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ़ डी एक्स तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे डी एक्स की वैल्यू 15 है ओके okay, और डी की वैल्यू यहाँ पर माइनस फाइव है तो इनको टेबल में ले लो दोस्तों सो फाइव थ्री इज फिफ्टीन सो देर फोर एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर माइनस थ्री देखो ये माइनस साइन भी लगेंगी और थ्री लिख दिए तो अपना आपका आंसर गलत हो जाएगा तो सेकेंड आल्टर सेकेंड क्वेश्चन में करेक्ट आल्टरनेटिव क्या है यहाँ पर बी वाला है करेक्ट ऑप्शन माइनस थ्री तो हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर लिख देंगे एक लाइन छोड़ेंगे हम आंसर के लिए और b माइनस थ्री लिख करके लिख देंगे इस तरह से ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है एकदम आराम से करेंगे कोई गड़बड़ नहीं है ओके okay? चलो ये भी ऐसी है अब यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई निकालना है अपने को तो क्या करेंगे सेम बाय क्रेमस रूल सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग क्रेमस रूल बाय एक्स एंड वाई वैल्यू तो वाई के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी तो देर फोर वाई इज इक्वल टू वट इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई चलो फाइंड करो इधर एट है और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर फोर है तो फोर वन जो फोर फोर टू जट सो देर फोर वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर टू आ गई ओके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में देखेंगे अपना थर्ड वाला आंसर यहाँ पर देखिए टू है करेक्ट ऑपर बी करेक्ट आंसर है अपना ये तो इस तरह से हम ये बी यहाँ पर लिख देंगे और करेक्ट आंसर अपना टू है ओके दोस्तों तो एग्जाम तो में भी आपको ऐसे ही करना है अगर आप श्योर है एकदम आपका आंसर एकदम राइट आ रहा है तो डायरेक्टली ये ये ऑप्शन लिख दीजिए और करेक्ट आंसर लिख दीजिए ओके और फिर एक एक दो दो लाइन छोड़ के आप चारों आंसर को अच्छे से लिख दीजिए ओके चलिए फोर्थ आंसर की तरफ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ इफ ए इक्वल टू थ्री इज द पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है दोस्तों फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर ये इक्वेशन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ ओके तो यहाँ पर अपने को ए की वैल्यू फाइंड करना अब ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है दोस्तों ये पहली कोऑर्डिनेट वैल्यू वा, वा, हमेशा एक्स की होती है और दूसरी कोऑर्डिनेट वैल्यू हम, वा, हमेशा वाई की होती है ओके तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन में फाइ एक्स ये आंसर के लिए छोड़ेंगे हम लोग ओके फाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर ओके थोड़ा तो सिस्टमेटिक कर लेते हैं इसको गिवन में लिखेंगे हम लोग ओके अब यहाँ पर क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू थ्री ये जो कॉर्डिनेट पॉइंट दिख रहा है ये पहली वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस की होती है सेकेंड वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस की होती है अब ये इक्वेशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर लेंगे सो इक्वेशन इज़ फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर सो फाइव एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए है सो फाइव ए टू की वाई की वैल्यू यहाँ पर थ्री है सो टू इन थ्री इक्वल टू माइनस फोर ओके सो फाइव इं ए इज़ फाइव ए प्लस टू थ्री इ्स इज़ इक्वल टू माइनस फोर ओके चलिए यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं फ़ाइ ए लिखेंगे डायरेक्ट आप इक्वल टू की तरफ जाएंगे माइनस फोर लिख देंगे ओके प्लस सिक्स को हम शिफ्ट करेंगे इक्वल टूगेदर तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा सो देर फोर फ़ाइ ए इज़ इक्वल टू माइनस फोर माइनस इज़ माइनस सो देर फोर ए इज़ इक्वल टू माइनस टेन सो अगेन फाइव टू टेन सो दैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू ओके तो करेक्ट ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर फोर्थ का आंसर हमारा क्या आया माइनस टू तो अगेन देखो माइनस टू आपके डी वाले करेक्ट ऑप्शन में आंसर है आपका ये तो यहाँ पर लिख दीजिए डी अगेन माइनस टू ओके इजी है एकदम तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ तो ये भी बहुत सिंपल है अभी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं यही सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड बीट में फर्स्ट के क्वेश्चन में ओके okay? तो चलिए करते हैं मिलके हम लोग चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एम वैल्यू ऑफ़ द डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज थर्टी फाइव हमने थर्ड बिट में करे भी तो चलिए क्या करेंगे हम लोग सेम थ्री एम माइनस टू वन इज और इक्वल टू थर्टी फाइव चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल हमें पता है इस तरह से करेंगे इसको सो देर फॉर थ्री इंटू वन माइनस ओके ये माइनस टू को इस तरह से ब्रैकेट में लेंगे मल्टीप्लाई बाय एम इज़ इक्वल टू थर्टी फाइव ओके दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में माइनस साइन है और ये टू भी माइनस में तो हमको इसको इस तरह से ब्रैकेट में लेना होगा सो थ्री वनजा थ्री माइनस इंटू माइनस इज प्लस सो एम इन टू इंटू एम इज टू एम इक्वल टू थर्टी फाइव ओके अब क्या करना है अपने को टू एम को बाहर ले लो आप इक्वल टू थर्टी फाइव लिख लो एज़ इट इज़ प्लस थ्री को हम शिफ्ट करेंगे इधर तो माइनस थ्री हो जाएगा ये सो फोर टू एम इज टू थर्टी फाइव माइनस थ्री इज़ थर्टी टू ओके तो चलिए एम की वैल्यू को निकाल लो आप सो देर फोर एम इज़ इक्वल टू थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू ओके सो टू वन ज टू हीर एंड टू सिक्स ज टल्व ओके सो देर फोर द वैल्यू ऑफ एम इज़ सिक्सटीन तो देखते हैं अपना करेक्ट आंसर कहाँ पर ही है क्वेश्चन नंबर फाइव में सो so, सिक्सटीन आया तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे सो ए इज़ अवर करेक्ट आल्टरनेटिव एंड द आंसर इज सिक्सटीन ठीक है ना दोस्तों इस तरह से करेंगे इजी एकदम तो चलिए अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग एज़ पर द क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड कर दिए थे हमने ओके okay? और बहुत सारे बच्चों ने उसको सॉल्व भी करे थे ओके चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों ये सब एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं okay? ओके बस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे और सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट के साथ में जाके आपको एग्जाम में भी कर देना है ओके okay, और आउट ऑफ ले लेना है फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इफ सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू थर्टी जैसे जब भी आपको पूछा गया एक्स प्लस वाई फाइन करना है तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो मैं इस तरह से लिख दूंगा ऐड इक्वेशन ओके सो सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा मैंने ओके फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू थर्टी सिक्स ठीक है ना ऐड करना है अपने को ये तो इस तरह से ऐड कर लेंगे सेवन प्लस ट्वेल्व सेवन प्लस फाइव इज़ ट्वेल्व एक्स अगेन सेवन प्लस फाइव इज ट्वेल्व वाई ओके सिक्स प्लस फोर टेन फाइव एंड सिक्स सिक्सटी ओके तो दोस्तों ये देखने यहाँ पर ट्वेल्व ट्वेल्व आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो ट्वेल्व को आप कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस वाई को आप ब्रैकेट में ले लीजिए एकवल टू सिक्सटी ओके तो एक्स प्लस वाई फाइंड करना है तो हम इसको बाहर ले लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटी लिखेंगे ओके okay, और ये ट्वेल्व को हम देखो ट्वेल्व के यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है तो ट्वेल्व यहाँ पर डिनोमिनेटर में चले जाएंगा ओके सो ट्वेल्व फाइज दिक्सटी सो देर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू फाइव तो सिक्स वाले करेक्ट ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सी इज़ द करेक्ट आल्टरनेटिव देख रहे सी यहाँ पर फाइव में आ रहा है ओके okay, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी इज़ करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज़ फाइव इजी एकदम ओके सिमिलरली एक्स प्लस वाई पूछते हैं तो एक्स माइनस वाई भी पूछते हैं तो एक्स माइनस अगर वाई पूछे अपने को तो ऐड की जगह पे अब अपने को क्या करना है सब करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ओके बोथ दिस इक्वेशन तो मैं लिखूँगा यहाँ पर फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोरटीन और यहाँ पर भी थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू टू तो चलिए इनको सब्ट्रैक करेंगे हम इधर तो ये हो जाएगा माइनस ये माइनस बिकम प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा ओके okay. सो so 5x एक्स माइनस थ्री इज़ 2x, ओके नाउ हुई ये सी ईयर माइनस थ्री और ये प्लस फाइव तो क्या हो रहा है यहाँ पर ओके प्लस यहाँ पर स्मॉल वैल्यू बिगर वैल्यू ओके तो इस तरह से हम यहाँ पर इधर लिख देंगे माइनस ओके सो दिस इज माइनस टू ओके एंड दिस इज़ 14 माइनस टू इज़ ईर इज़ 12, ओके okay. तो अगर यहाँ पर यहाँ पर भी फिर से टू टू कॉमन फैक्टर आ गया अपना तो चलिए टू एज अ कॉमन फैक्टर ले लेते हैं एक्स माइनस वाई को हम ब्रैकेट में ले लेंगे इक्वल टू टूवेल्व लिखेंगे सो देयर फोर एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू टूवेल्व अपॉन टू सो टू सिक्स टूवेल्व सो हियर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स तो देखिए सिक्स आंसर आ गया देखते सेवेंथ में हमारा सिक्स आंसर है कि नहीं है ओके दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्स आंसर अपना हैश नहीं दोस्तों ओके क्यों क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आ, कुछ गड़बड़ हुई है ओके यहाँ पर एग्जैक्टली exactly ये एक्स प्लस वाई फाइंड करना है शायद चलो वाई यहाँ पर हम लोग ऐड करके देखते हैं ओके अगर हम ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा एट एक्स ओके एट एक्स माइनस माइनस थ्री वाई और माइनस फाइव वाई इज़ माइनस एट वाई ओके एंड दिस फोर्टीन प्लस टू इज़ सिक्सटीन दोस्तों सही है अभी ओके okay? तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरह से मैं यहाँ पर करता हूँ एट एट इज़ द कॉमन फैक्टर ओके तो एट एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू सिक्सटीन सो देट फोर एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एट सो एट टू जिक्सटीन तो देर फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन में टू अभी अपने को दिख रहा है यहाँ पर देख रहे ए वाला इज़ द करेक्ट आंसर तो साइन में थोड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों एक्स माइनस वाई नहीं है ये एक्स प्लस वाइव अपने को फाइंड करना था सो अवर करेक्ट आंसर इज ए और यहाँ पर लिख देंगे टू ओके okay? तो थोड़ा एक करेक्शन था आप देख लीजिए इसको अच्छे से चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई अपने को फाइंड करना है ओके okay? तो अगेन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन दो वाले प्लस थे और एक है ये माइनस का है तो चलिए लिख लेते इसको हम लोग अच्छे से थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट एंड अगेन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज़ ओनली एक्स स्मॉल वैल्यू बीगर वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस वाई एंड दिस एट माइनस सेवन इज़ वन ओके सो देअर फॉर आवर आंसर इज़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर वन आ गई है ओके तो अगर हम एट क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है एग्जैक्टली ए वाला ऑप्शन है वन आया अपना आंसर तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए ऑन द करेक्ट आंसर इज़ वन ओके दोस्तों तो एक और ले लिया हमने यहाँ पर अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई फाइंड करना है तो सेम हम ऐसे ही करेंगे इसको भी ओके ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर ये लाइन छोड़ देंगे हम आंसर के लिए ऐड इक्वेशन ओके तो इक्वेशन ऐड कर लेंगे चलिए जगह की प्रॉब्लम है हम यहाँ पर करेंगे इसको फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर और ये इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओके दोस्तों तो, तो चलिए ऐड कर रहे हैं हम लोग इसको सो फोर प्लस थ्री इज सेवन एक्स

ओके okay, तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर हमारे पेपर में क्या था हमने दिए थे तो यहाँ पर नाइन का बी वाला करेक्ट आंसर है सेवन आए देखो यहाँ पर भी सेवन आए तो हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट आल्टरनेटिव इज़ बी एंड द राइट आंसर इज़ सेवन ओके okay? तो ये नाइन क्वेश्चन भी हो गया हमारा अच्छे से एक करेक्शन था बस यहाँ पर प्लस डालना था अपने को सेवन वाले उसमें ओके okay? तो चलिए इस तरह से हम अब नाइन क्वेश्चन हो गया अब टेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ओके क्वेश्चन नंबर टेन चलिए If x equal to 5 and y equal to 3 is the solution of the 3x plus प्लस के वाई इक्वल टू थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ तो बहुत इजी दोस्तों x की जगह पे 5 पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन में y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो इजीली अपना k का आंसर भी आ जाएगा तो चलिए करते हैं हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग सिस्टमेटिक uh, करते हैं चलिए 3x plus ky equal to 3. So this is nothing but given in the equation. ओके okay? तो चलिए हम यहाँ पर करेंगे पुट करेंगे हम यहाँ पर एक्स को एक्स की जगह पे फाइव पुट करेंगे और वाई की जगह पे हम थ्री पुट करेंगे सावर इक्वेशन इज़ थ्री एक्स प्लस के वाई इक्वल टू थ्री ओके सो थ्री इंटू फाइव एक्स की जगह पे पुट करें हमने और वाई की जगह पे के इंटू थ्री इज़ इक्वल टू थ्री ओके तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं थ्री फाइव द फिफ्टीन तो हम यहाँ पर फिफ्टीन प्लस के इंटू थ्री इज़ थ्री के एंड दिस इज़ नथिंग बट थ्री ओके तब क्या करना है आपको थ्री के को नीचे लेना है इक्वल टू थ्री लिख देंगे सेम एज इट इज़ प्लस फिफ्टीन को शिफ्ट करेंगे हम लोग ये हो जाएंगे माइनस फिफ्टीन सो देट फोर थ्री के इज़ इक्वल टू थ्री माइनस फिफ्टीन इज़ माइनस ट्वेल्व सो नी न्यूड टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ के सो माइनस थ्री के साथ में जो वैल्यू है वो नीचे डिनोमिनटर में जाएंगी सो थ्री फोर इज ट्वेल्व सो देट फोर द वैल्यू ऑफ के इज़ माइनस फोर तो ये आंसर आया दोस्तों अपना तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन में देखेंगे तो अपना आंसर कहाँ पर ही है माइनस फोर बी वाले आल्टरनेटिव में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी एंड द करेक्ट आंसर इज़ माइनस फोर ठीक है दोस्तों सही जा रहे हैं हम लोग आप भी इसको अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए ओके इसको फेयर कर लीजिए एकदम अच्छे से और एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ ये रिवाइज करके जाना है आपको और कुछ नहीं करना है ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर एलेवन भी सेम ऐसी ही है वाई की वैल्यू फाइन करना है एक्स वी ऑलरेडी हैव इक्वेशन में एक्स की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू वाई का आंसर अपना ऑलरेडी आ जाएगा ओके okay? तो चलिए सेम इस तरह से लिखेंगे हम लोग फोर एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू नाइनटीन ओके सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू वन सॉरी और वाई क्यों हमको फाइंड आउट करना है ओके okay? तो चलिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग फिर से फोर एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू नाइनटीन एक्स की जगह पर वन पुट करेंगे सो फोर इंटू वन प्लस फाइव आई इक्वल टू नाइनटीन ओके सो यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग फोर वन ज फोर प्लस फाइव आई इक्वल टू नाइनटीन ओके वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो फाइव आई को नीचे लेंगे इक्वल टू नाइनटीन विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज़ प्लस फोर को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर सो देट फोर फाइव आई इज़ इक्वल टू नाइनटीन माइनस फोर इज़ फिफ्टीन सो वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री सो देर फोर वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पर थ्री फाइव इज़ा फिफ्टीन ओके सो वाई इज इक्वल टू फाइव सो देखते हैं करेक्ट अल्टरनेटिव में यहाँ पर एलेवंथ वाले क्वेश्चन में आंसर क्या है हमारा ओके okay? अगर यहाँ पर भी देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर भी अपना सॉरी दिस इज फाइव सो फाइव थ्री इज़ा फ़िफ्टीन सो अवर करेक्ट आंसर इज़ थ्री ओके तो थ्री कहाँ पर है यहाँ पर करेक्ट आंसर सी है सी इज अवर करेक्ट आंसर थ्री ओकेर ऑल्सो फाइव फाइव थ्री सो दे्यू यहां पर थ्री आ गई दोस्तों सी ओके इजी एकदम तो so चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में जाते हैं तो यहां पर भी ऐसी है दोस्तों, same, इसको ऐसी सॉल्व करेंगे हम लोग तो so चलिए एक लाइन आंसर के लिए छोड़ते हैं एक क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले थ्री एक्स माइनस टू वाई Equal to minus one. दिस इज नथिंग बट गिवन इन द क्वेश्चन ओके अब यहाँ पर क्या पुट करना है अपने को पुट y equal to two और x की वैल्यू हमें क्या करना है find करना है दोस्तों ओके okay? देखिए अलग अलग alternative में क्वेश्चन ले रहा हूँ और ऐसी questions आते हैं दोस्तों तब आपको क्या करना है इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन लिख दिए Three x विल रिमेन एज इट इज ओनली two y तो two into two. Y की वैल्यू हमें two पुट करना है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है सो थ्री एक्स इज इक्वल टू 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 ज फोर इज इक्वल टू माइनस वन सो राइट थ्री एक्स डायरेक्टली इक्वल टू भी जाओ आप माइनस वन को नीचे ले लो माइनस फोर को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो ये प्लस फोर हो जाएगा ओके सो देर फोर थ्री एक्स इज़ इक्वल टू थ्री हो जाएगा ये देखो माइनस फाइव नहीं लिखना दोस्तों आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस सो फोर माइनस वन इज़ थ्री चेक द बिगर वैल्यू साइन बड़ी वैल्यू साइन प्लस में तो प्लस थ्री चलिए एक्स निकाल लीजिए एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री so या थ्री वन ज थ्री so therefore the value of x is one, okay? ओके वाले आल्टरनेटिव में चेक करते हैं वन है कि नहीं हमारे पास में देखिए बी वाले इसमें ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन में बी वाला इज़ द करेक्ट आंसर तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी और इस तरह से लिखेंगे वन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे जाते हैं अभी ओके थर्टीन इल ऑन दिस पेज ओके तो ये थर्टीन वाले क्वेश्चन पर भी आ गए हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ़ डी एक्स फॉर सॉल्विंग सैम्बल इज इक्वेशन तो डीएक्स फाइंड करना है दोस्तों हम ये क्रेमस रूल है ओके okay? तो क्रेमस रूल में दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू ओके जो डी एक्स का हम फॉर्मूला रखेंगे तो सी वन अपॉन सी वन सी टू एंड बी वन बी टू इज अवर फार्मूला बने ओके तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर बी वन बी टू ओके okay, c1 c2 सी टू एंड बी वन बी टू तो सी वन सी टू सो इलेव माइनस इलेवन इज सी वन एंड नाइन इज़ सी टू ओके सो माइनस इलेवन एंड नाइन ओके द बी b2 बी टू सो बी वन बी इज़ टू एंड बी इज माइनस फोर ओके तो ये भी अगर आपने दो अच्छे से नहीं देखे क्रेमस रूल तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराँ तो ये वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर डाल दूंगा आप अच्छे से इसको देख लो ओके okay? कभी नहीं भूलेंगे आप चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों इसको हमको डी निकालना है तो डी हमने इस तरह से लिख दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चलिए माइनस इलेवन इंटू माइनस फोर माइनस टू इंटू नाइन ओके इस तरह से ये अपना क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल है सो माइनस इंटू माइनस प्लस इलेवन फोर जो फोर्टी फोर ये माइनस साइन इधर आ गई टू नाइन ये हो गया एटीन ओके तो इस तरह से अगर मैं फोर्टी फोर को 18 से मैं सब ट्रैक करूँगा यहाँ पर दोस्तों देखो इजीली अपना ये आंसर आ जाएगा ओके okay? अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक इट आउट हीयर फोटी फोर को यहाँ पर हम सब भी कर सकते हैं स्मॉल नंबर बिगर नंबर हम यहाँ से बोरो करेंगे सो फोर्टीन माइनस एट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए आप सिक्स और थ्री माइनस वन यहाँ पर लिख दीजिए टू तो इस तरह से ट्वेंटी सिक्स इज़ योर करेक्ट आंसर ओके हम यहाँ पर देख लेंगे ट्वेंटी सिक्स कहाँ पर आया ए वाले आल्टरनेटिव में था हमारे क्वेश्चन पेपर में ओके okay? तो यहाँ पर लिख दो आप ए और इस तरह ट्वेंटी सिक्स लिख दीजिए इजी है एकदम ओके okay? तो मैं यहाँ पर यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी लिया हूँ डी एक्स हमने निकाल लिए देखो यहाँ पर आप डी वाई निकालेंगे और डी भी निकालेंगे ओके okay? सबसे पहले यहाँ पर वाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डी वाट इज़ द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट तो देखिए दोस्तों आपका डिग्री ऑफ़ द डिटर्मिनेट देखेंगे तो डिटर्मिनेट में सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी सी डी तो यहाँ पर देख रहे दोस्तों दो रो और दो कॉलम है ओके okay? ये दो कॉलम है और दो रो है ओके सो टू बाई टू का ये मैट्रिक्स है सो डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या रहेगा आपका टू रहेगा ओके okay? है ना यहाँ पर दो रो है टू कॉलम्स ओके एंड टू रोज ओके सो दे फोर वाट इज़ द डिग्री है सो so, डिग्री भी क्या रहेंगी टू रहेंगी तो हमारे करेक्ट आंसर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर सो वाट इज़ द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेट सो बी अपना करेक्ट आल्टरनेटिव है टू तो so, यहाँ पर लिख दो आप बी और टू देखो कितना सिंपल है दोस्तों ओके बहुत इजी है ये भी तो चलिए अब डी वाई फाइन करते हैं यहाँ पर तो डी वाई फाइन करने के लिए अपना फार्मूला क्या रहेगा यहाँ पर ए वन ए टू सी वन सी टू सो ए वन ए टू टू थ्री और टू है तो थ्री और ये टू लिख देंगे और सी वन सी टू इज़ वन एंड थ्री तो ये वन और ये थ्री आ गया ओके ए वन ए टू सी वन सी टू ये डी वाई का फार्मूला है ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको सो थ्री इंटू थ्री माइनस वन इं टू सो थ्री थ्री इज नाइन ईयर वन टू इज आ टू सो नाइन माइनस टू इज सेवन सो दिस सेवन इज़ अवर करेक्ट आंसर ओके तो चलो चेक करते फिफ्टीन का करेक्ट आल्टरनेटिव क्या था यहाँ पर सी सेवन वाला था तो हम लोग भी यहाँ पर लिखेंगे सी सेवन इज़ द करेक्ट आंसर ओके चलिए वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर अब डी फाइन करना है तो डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था ए वन ए टू बी वन बी टू ओके सो ए वन ए टू एक्स एंड थ्री सो एक्स क्या एज्यूम करते हैं हम लोग वन सो so, यहाँ पर लिखेंगे वन और थ्री और बी वन बी टू तो वाई को भी हम वन एज्यूम करेंगे और यहाँ पर बी टू क्या है माइनस टू लिख देंगे ओके चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वन इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू थ्री हेयर ओके सो वन टू ज टू तो माइनस टू हो गया दोस्तों ये और ये माइनस वन थ्री जी सो देट फोर माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस फाइव ओके माइनस इंटू माइनस प्लस वैल्यू को ऐड करेंगे साइन नीचे माइनस की लगाएंगे तो सी का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का माइनस फाइव देखो माइनस फाइव आए तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी इज अवर करेक्ट आल्टरनेटिव और यहाँ पर लिख देंगे माइनस फाइव ओके दोस्तों तो ये सिक्सटीन वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना चलिए अब सेवनटीन की तरफ चढ़ते हैं ओके सेवेंटीन बहुत सिंपल है ये वाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस सो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो तो हम इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो ओके तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये so इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू सी तो सी क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है ओके तो कॉन्स्टेंट नंबर को छोड़ के जो नंबर बचता है हमारे पास वो जीरो है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सीज इज वाई इक्वल टू जीरो तो देखेंगे हम यहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो क्या है ए वाला करेक्ट आल्टरनेटिव है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए वाई इक्वल टू ज़ीरो ओके इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आ गया इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस भी पूछता है एग्जाम में ओके okay? तो वाई एक्सिस जब भी इक्वेशन फाइंड करने आएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो ओके तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर भी देखेंगे आप करेक्ट अल्टरनेटिव कहाँ है अपना एटीन का सी वाला करेक्ट आंसर है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सी एक्स इक्वल टू ज़ीरो ओके सिंपल एकदम दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 पे जाते हैं हम लोग सो वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो बहुत सिंपल है सो तो इसका भी आंसर क्या हो सकता है बताइए आप मुझे चलिए 19 का आंसर क्या हो सकता है थिंक अबाउट इट चलो फटाफट एम सी क्यू से बोलिए कहाँ पर इंटरसेक्ट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओके जीरो काम ज़ीरो पर ना है ना कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो सकते हैं इस तरह से नाथ दिस सेंटर ऑफ ओरिजिन दिस इज वाई एक्सिस ओके एंड दिस इज एक्स एक्सिस तो अगर ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है जीरो पे हो रहे सो द करेक्ट आंसर इज़ जीरो कामा ज़ीरो ओके सो देर फॉर द करेक्ट आंसर इज़ जीरो कामा ज़ीरो तो अपना करेक्ट आंसर कहाँ पर है ये ए वाले क्वेश्चन के अंदर है ए वाले आल्टरनेटिव uh, में तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके सो जीरो कामा ज़ीरो इज़ द राइट आंसर इजी है चलिए वाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एंड फाइव यूनिट एबाव इट तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ ओके एबाउ इट तो अबाव यानी कि ऊपर ओके एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है यहाँ पर वन टू थ्री फोर और ये फाइव तो फाइव हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं वाई इक्वल टू फाइव पर जा रहे हैं okay? ओके सो so, अपना करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर y इक्वल टू फाइव ओके पॉजिटिव है ये ऊपर और नीचे ये नेगेटिव है यहाँ पर भी ओके okay? सो so, यहाँ पर अगर हम आंसर में देखेंगे ट्वेंटी का आंसर क्या है यहाँ पर y बी वाई इक्वल टू फाइव द करेक्ट आंसर इज बी आल्टरनेटिव तो हम यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू फाइव बी इज द करेक्ट आल्टरनेटिव ओके तो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी दोस्तों वॉट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ्टी ओके तब यहाँ पर इस तरह से अगर मैं फिर से इसको ड्रॉ करूँ ये और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव है यहाँ पर एक्स एक्सिस तो वाट इज द एक्वेशन ऑफ लाइन पैरल ओके पैरल टू वाई एक्सिस एंड थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ्टी तो थ्री यूनिट्स कहाँ पर आएंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आएगा ओके माइनस वन माइनस टू एंड दिस इज माइनस थ्री तो ट्वेंटी वन का अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा बोलिए माइनस थ्री कॉमस ज़ीरो ओके तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वेंटी वन का अपना करेक्ट आंसर है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ओके सो देर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस सो दिस इज द लेफ्ट साइड ओके दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री सो अवर करेक्ट आल्टरनेटिव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में ए वाला करेक्ट ऑल्टरनेटिव है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है ना एकदम इजी है तो चलिए ट्वेंटी वन वाला भी हो गया चलिए ट्वेंटी टू भी ऐसी है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स विद द विद द विद द एक्स एक्सिस ओके तो जब भी एक्स एक्सिस आएगा तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे वाई की वैल्यू को जीरो एज्यूम करेंगे दोस्तों ओके okay? तो अपना एक्स का आंसर यहाँ पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स तो यहाँ पर आपको क्या करना है पुट y इक्वल टू ज़ीरो ओके और y एक्सिस आएगा तो आपको x इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है चलिए अब हम इसको क्या करेंगे 2x लिखेंगे प्लस थ्री इंटू ज़ीरो टू सिक्स वाई की जगह पर हम ज़ीरो पुट करें सो दिस इज़ टू एक्स प्लस थ्री ज़ीरो ज़ीरो इक्वल टू सिक्स सो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स चलिए एक्स की वैल्यू निकाल लो एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू सो टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स इज़ इक्वल टू थ्री सो दैट फोर अपना आंसर क्या है एक्स की वैल्यू थ्री आई और वाई हमने एज्यूम करे थे जीरो so so तो सो थ्री कॉमा जीरो सो ट्वेंटी टू में थ्री कॉमा जीरो कहाँ है दोस्तों यहाँ पर बी वाले करेक्ट आल्टरनेटिव में सो अपना आंसर क्या है यहाँ पर बी थ्री कॉमा ज़ीरो ओके एक्स एक्सिस आया तो वाई इक्वल टू ज़ीरो एज्यूम करेंगे और वाई एक्सिस आया तो एक्स इक्वल टू जीरो एज्यूम करेंगे तो सेम ही करेंगे यहाँ पर भी ओके okay? इक्वेशन लिख लेंगे पहले टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स सेम इक्वेशन है दोस्तों यहाँ पर भी अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एज्यूम करेंगे ओके okay? तो टू एक्स टू इन टू कर देंगे टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स टू जीरो ज़ीरो प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स ओके थ्री वाई इक्वल टू सिक्स लिखेंगे हम वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री सो थ्री टू जो सिक्स सो देर फॉर द वैल्यू ऑफ वाई इज़ टू ओके सो आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर देर फोर एक्स की वैल्यू हमने जीरो करो वाई का आंसर आया टू तो ज़ीरो कामा टू इज़ द कोऑर्डिनेट पॉइंट ओके तो चले देखते हैं ट्वेंटी थर्ड में अपना करेक्ट आल्टरनेटिव क्या था जीरो कामा टू यानी कि ए वाला अपना करेक्ट आंसर था तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ज़ीरो कामा टू ओके दोस्तों आपको समझ में आ रहा हूँ अच्छे से एकदम ईजी है चलिए ये भी क्वेश्चन आके गया ये भी डिटर्मिनेंट का है लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन है डने की कोई बात नहीं है सेम रूल के हिसाब से जाएंगे हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों आ चुका ही है ये तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर के लिए जगह छोड़ देते हैं इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर पहले थर्टीन अपॉइंट फाइव है ये इधर से थ्री अपॉइंट टू वन अपॉइंट फाइव और ये वन अपॉइंट टू चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग सो थर्टीन अपॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टू बीच में माइनस साइन फिर इसको इस तरह से करेंगे हम लोग थ्री अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट फाइव तो दोस्तों जब भी मल्टीप्लाई की साइन होती है आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन वन जै थर्टीन और ये हो जा रहा है आपका फ़ाइव टू ज टेन माइनस साइन ये आ गई थ्री वन ज थ्री और यहाँ पर भी आ रहा है टू फाइव ये टेन ओके सो टेन टेन इज़ द कॉमन फैक्टर हियर तो कॉमन फैक्टर हम ले लेंगे इसको थर्टीन माइनस थ्री सो देर फोर हेयर थर्टीन माइनस थ्री इज़ टेन टेन अपॉन्ट टेन सो टेन वन ज टेन सो यहाँ पर आंसर क्या गया? 1 आ गया अपना वन आ गया ओके सो करेक्ट आल्टरनेटिव में क्या है आंसर 24 का बी वाला है सो बी इज़ द करेक्ट आंसर थोड़ा बैर करो दोस्तों गला बैठा है थोड़ा मेरा ओके okay. थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा लेकिन थोड़ा बैर कर लीजिए थैंक यू वेरी मच सो लास्ट क्वेश्चन इज देर चलो लास्ट क्वेश्चन को भी ले, ले लेंगे हम लोग सो so, बहुत सिंपल है दोस्तों इसको भी हम ऐसे ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं और ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है बार बार पूछते ही है चलिए लिख लेंगे फोर एम फाइव थ्री और इक्वल टू ट्वेंटी टू चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको सो फोर इंटू थ्री माइनस फाइव इंटू एम और इक्वल टू ट्वेंटी टू लिख देंगे ओके सो फोर थ्री इज इज़ ट फाइव इंटू एम इज़ फाइव एम एंड ट्वेंटी टू सो देर फोर फाइव एम को आप ले लीजिए बाहर इक्वल टू ट्वेंटी टू विल रिमेन एज इट इज़ so minus ट्वेल्व become plus टू minus plus ट्वेल्व become minus ट्वेल्व okay so minus फाइव एम इज इक्वल टू ट्वेंटी टू माइनस 10 इज टेन so देर फोर एम इज इक्वल टू टेन अपॉन माइनस फाइव सो फाइव टू ज टेन answer आवर करेक्ट आंसर इज़ माइनस टू ये माइनस साइन भी लगेंगी दो आंसर में तो देखते चलिए माइनस टू कहाँ पर है ये डी वाला ऑप्शंस में डी वाले में ओके माइनस टू यहाँ पर लास्ट क्वेश्चंस का है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग डी एम इक्ल टू माइनस टू ओके तो इस तरह से दोस्तों ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हमारे एक दो करेक्शन्स भी थे ओके okay? तो वो भी हमने करे अच्छे थे और पूरे आंसर निकाले सोल्यूशन के साथ में ओके okay? अच्छे से आप भी ये नोट्स बनाइए इसके ओके एम सी क्यूज के और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ही बताना ओके okay? थोड़ा गला भी बैठा है लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए ओके सो थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहना पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर लेना ओके सो थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ